सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अपना घर एक स्वर्ग है, अपने घर को किस प्रकार स्वर्ग बनाए रख सकता है इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया ऐसे पांच बातों के विषय में, जो पांच रिश्ता है जिसको हमें बनाए रखना है हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हम लोगों ने बीती क्लास में मनन चिंतन किया, पहला पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का प्यार हमारे घर में होना चाहिए, अर्थात ईश्वर के साथ सर्वप्रथम हमारे एक अच्छा तंदुरुस्त रिश्ता होना जरूरी है। हमारा घर स्वर्ग बनने के लिए ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का वो प्रेम हमारे हृदय में होना जरूरी है। आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं दूसरा जो रिश्ता, ईश्वर जो आत्मा है जिसे हम नहीं देख सकता, हमें हमारे साथ हमारे घर में ईश्वर का रूप हमारे माता पिता दिया है, सास ससुर दिया है, घर में बुजुर्ग लोगों को दिया है, उनका आदर सम्मान करना, उनका प्यार, उनके द्वारा मिलने वाला आशीष हमारे घर को स्वर्ग बनाता है। बाइबल के अनुसार आज हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम जीवन तेरे चरणों में रखते हैं।
करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सारे हृदय से, सारे मन से, सारी शक्ति और बुद्धि से आपको प्यार करते हैं, हम आप में विश्वास करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में रहने वाले प्रभु, सारे हृदय से प्यार करता हूं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज इन वचनों पर मनन चिंतन करने और इस वचन के अनुसार जीवन जीने की कृपा हमें प्रदान करना प्रभु। तो हमारे घर में रहकर हमारे घर को स्वर्ग बनाना प्रभु। यीशु आइए, यीशु आइए, अपना अनुभव हमें प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए, ताकि जो भी प्रोग्राम हम लोग अपलोड करते हैं तुरंत आप तक वो पहुंचे, एक भी टॉक, एक भी क्लास से आप ना छूटें। साथ ही साथ यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है, अन्य लोगों तक पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट उठाइए। आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट से है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इसमें इस लिंक को भेज करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का लाभ उठाएं। तो आज के क्लास में हम लोग प्रवेश करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में 10 आज्ञा के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। मैं शॉर्टकट में बता देना चाहता हूं, ये 10 आज्ञा का ऐसा विवरण किया है, ईश्वर ने 2 पाटियों पर 10 आज्ञाओं को लिखा, 10 आज्ञाओं को 2 पत्र के पाटियों पर लेकर के दिए। पहला पाटी में 3 आज्ञाओं को लिखा जो ईश्वर के प्रेम में हम रहने के लिए, ईश्वर से जुड़ करके ईश्वरीय प्रेम में लगे रहने के लिए पहला जो 3 नियम पहला पाटी में लेकर के दिया, और दूसरा पाटी में बाकी 7 नियमों को लिखा। उसके सबसे पहला नियम है, अर्थात 10 आज्ञाओं में 4वां नियम, अपनी माता पिता का आदर करना। ये ईश्वर चाहता है, ईश्वर का अनुग्रह माता पिता के द्वारा बच्चों पर आता है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ 3:2-18 सिराक chapter 3:2-18, वहां पर 2 में क्या लिखा है, 2-18 जो वचन है, एक लाइन पिता के विषय में, इसके बाद माँ के विषय में, इसके बाद पिता, इसके बाद माँ, इस प्रकार माँ पिता, माता पिता, ऐसा कर कर जाते हैं, अर्थात माता पिता। तो 2 में क्या लिखा है, मैं माता पिता, पिता और माता अलग अलग कर करके नहीं पढ़ूंगा, माता पिता यही हमें समझने की जरूरत है। पुत्रों, माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। क्या कारण है, प्रभु का आदेश है, ये ऑर्डर है, नियम है, कमांडमेंट है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का, माता पिता का आदर करे। 4वीं आज्ञा के रूप में प्रभु ने हमारे सामने दिया है माता पिता का आज्ञा, आदर करना। उसने अपने माता पिताओं को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, माता पिताओं को बच्चा संतान दिया, बच्चों के ऊपर उनको कैसे पालन पोषण करना है, उनको क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कहाँ लेकर के जाना है, क्या मना करना है, क्या करने देना है, ये सब अधिकार, नियंत्रण करने का अधिकार बच्चों पर ईश्वर ने माता पिता को दिया। यदि एक भी बच्चा नष्ट होता है, माता पिता को ईश्वर पूछेगा, तुम्हारा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, आज वो चर्च नहीं आ रहा है, कहाँ गया, ये सब
माता पिता से पूछेगा। तो ईश्वर ने इसलिए एक आज्ञा दिया, माता पिता का आदर करना। हम लोग सीधा जाते हैं एक और वाक्य पर, एफेसियों का पत्र अध्याय 6:1-3 तक, एफेशियंस चैप्टर 6:1-3, वहां पर लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, वह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे अपने माता पिता का आदर सम्मान करने से तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। प्रभु ने हमें जीने के लिए जो जगह दिया है, जो घर दिया है, उस घर में बहुत आनंद शांति का जीवन जीने के लिए हमें जन्म देने वाला माता पिता और उसके समान अपने सास ससुर और घर के अन्य जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका आदर सम्मान करना जरूरी है। यहां पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर केवल जन्म देने वाला माता पिता ही नहीं, माता पिता सास ससुर भी माता पिता है। उसको देखने के लिए तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10:12-13 को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा, तोबित चैप्टर 10, तोबित चैप्टर 10 वर्स 12-13, यह कहानी आपको मालूम होगा। तोबिया का विवाह सारा से होते हैं और सारा का पिता रघुवेल तोबित के और सारा के पास आकर के उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा करते समय क्या बोलता है, वाक्य 12, उसने अपनी पुत्री सारा का चुंबन किया और उससे कहा, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना। देखो एक पिता अपने बेटी को क्या सिखा करके ससुराल भेजते हैं, आप अपना सास ससुर का आदर करना बेटी, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता है जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया, हमने तुम्हें जन्म दिया और उसी प्रकार आज से तुम्हारा पति का माता पिता, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, उनका आदर उसी प्रकार करना जन्म देने वाले हम माता पिताओं का जिस प्रकार आदर करते हैं। वाक्य 13 में जाते हैं, उसी प्रकार उनकी मां तोबिया से कहते हैं, मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना बेटा, शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं, अब से मैं तुम्हारी माता हूं। इसके बाद आगे वो तोबिया अपना सास से क्या कहते हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि जब तक आप जीते रहे मैं आपका आदर माता पिता की तरह करता रहूं। इसका मतलब दामाद अपने सास ससुर के लिए क्या कहते हैं, पत्नी के माता पिता पति का माता पिता के समान बनना है, पति का माता पिता पत्नी के माता पिता के समान बनना है, माता पिता के समान उनका आदर सम्मान करना, यही बाइबल सिखाता है। इसका मतलब केवल जन्म देने वाला ही नहीं बल्कि विवाह के बाद अपने सास ससुर चाहे पति हो या पत्नी हो, अपने जीवन साथी के माता पिता को अपने माता पिता के समान उनकी आदर करना, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।
केवल इतना ही नहीं, हमें शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन, हमारे पुरोहित लोग, हमारे सिस्टर लोग, हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनका सबका हमें माता पिता के समान आदर करना है, क्योंकि उनसे ईश्वर का अनुग्रह बच्चों पर आता है। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 को अगर पढ़ेंगे, ईसा मसीह के विषय में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। लूकस के सुसमाचार लूक चैप्टर 2 में ईसा मसीह कैसे माता पिता के साथ रहा, इसके विषय में लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 2 वर्स 52, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 52, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। इसका क्या कारण है? ईसा मसीह का शरीर और बुद्धि का विकास हुआ और मनुष्यों और ईश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ा, इसके पीछे का कारण 51 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह अपने माता पिता के साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। ईश्वर होकर, ईश्वर का पुत्र होकर अपने माता पिता के अधीन रह करके जीवन जीने वाला ईसा मसीह हम संतानों के लिए, बच्चों के लिए एक उत्तम उदाहरण है। और ईसा मसीह इस प्रकार माता पिता के अधीन रहने के कारण माता पिता के अनुग्रह आशीष उन पर आए और मनुष्यों तथा ईश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आए, तब वो शरीर में और बुद्धि में विकसित होता गया। इसका मतलब है मनुष्य को अपने माता पिता, जन्म देने वाला माता पिता और सास ससुर का आदर सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29-30 मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिराक चैप्टर 7 वर्स 29-30 वहां पर लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना और उनका वो आपको पालन पोषण करने के लिए उन्होंने जितना कष्ट उठाया, दुख उठाया, उसको कभी भूलना नहीं। विशेषकर मां 9 महीनों तक गर्भ में रख करके कितना कष्ट उठाया, वो 9 महीना उनके लिए बहुत तकलीफ देने वाला समय। गर्भ के उस बच्चे को संभालने के लिए एक मां 9 महीनों तक तपस्या करती है, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से गुजरती है। और आगे क्या कहते हैं वाक्य 30 में, याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है, उसके उपकार का बदला तुम कैसे दे सकते हो? तुम चाहे लाखों करोड़ों रुपया उनको दो, कोई फायदा नहीं, उनका बदला नहीं हो सकता। उन्होंने जो आपको जो जन्म दिया, जो उसके लिए जो कष्ट उठाया, उसके बदला लाखों रुपया से भी आप उसका बदला नहीं चुका सकता। इसलिए यहां सवाल किया है प्रवक्ता ग्रंथ बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत वचन है प्रवक्ता ग्रंथ में और सूक्ति ग्रंथ में बहुत ज्यादा वचन है माता पिता का आदर करने के विषय में। आदर करने से क्या फायदा मिलेगा उसको भी थोड़ा सा देखने से अच्छा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में वापस जाते हैं वाक्य 4 से, जो अपने माता पिता पर श्रद्धा रखता है वो पापों का प्रायश्चित करता है। जो माता पिता का आदर सम्मान करता है मानो वो धन संचय करता है, धन इकट्ठा कर रहा है। जो माता पिता का आदर सम्मान करता है उनका संतान भी उनका आदर सम्मान करेगा। जो माता पिता का आदर सम्मान करेगा उनके बच्चे उनको भी आदर सम्मान करेगा। और जो माता पिता का आदर सम्मान करता है केवल उनकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है। माता पिता को तिरस्कार किया है, माता पिता को देखता नहीं है, वो बीमार पड़ा है,
वो कहीं और बेटों के साथ है, अनेकों कहानी है। अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को नहीं देखभाल करते। कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है अपने बुजुर्ग माता पिता का देखभाल करें। बुजुर्ग अवस्था में, उनकी जो कमजोर अवस्था में उनकी मदद, उनकी लाठी बनने के लिए वो तैयार नहीं। वो चाहे तो पैसा खर्च कर करके कोई नौकर को रखेगा, या पैसा दे करके ऐसा कहीं आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, उनका देखभाल करो। लेकिन बच्चे तैयार नहीं। माता पिता को पैसे की जरूरत नहीं, अन्य चीजों की जरूरत नहीं, बच्चों का थोड़ा प्यार की जरूरत है। बच्चों की थोड़ा प्यार की जरूरत है, प्यार से थोड़ा बातचीत, उनकी बात सुनने का। माता पिता यही तो चाहते हैं, लेकिन अनेकों लोग अपने माता पिता के साथ कैसे कैसे व्यवहार करता है। और आगे क्या लिखा है वाक्य 7 में, जो माता पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा, जो माता पिता को सुख देता है वही ईश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, ईश्वर का भक्ति का मतलब है माता पिता की भक्ति। यदि माता पिता की भक्ति नहीं है, आप ईश्वर का भक्त नहीं है। बाकी 8 बहुत ही सुंदर है, उनकी सेवा वैसे करो जिस प्रकार दास अपने स्वामी की सेवा करता है। बुजुर्ग माता पिता का सेवा ऐसा करना चाहिए, हम एक दास हैं। और 9 में भी लिखा हुआ है, वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो। कर्म भी है, वचन के द्वारा आदर देना है। उनके ऊपर गुस्सा करने का अधिकार किसी भी संतान को नहीं, उनको डांटने का, उनके ऊपर आक्रमण करने का, हाथ उठाने का किसी का अधिकार नहीं। आपका कर्म और आपका वचन माता पिताओं को आदर सम्मान देने वाला होना चाहिए, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। ओ वाक्य 10, वाक्य 11 उससे भी महान वाक्य है। पिता का, माता पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता पिता का अभिशाप दुख उनके घर के नींव को उखाड़ देता है। घर नरक बनने का, घर टूटने का, घर में लड़ाई झगड़ा का, घर में भी द्वेष का, यही कारण है अपने माता पिता का आदर नहीं करता घर में। यदि घर में माता पिता का आंसू गिरेगा, वो घर का नींव उखड़ जाएगा, यही लिखा है। लेकिन माता पिता का आदर घर को सुदृढ़ बनाए, क्योंकि उनकी आशीर्वाद घर को सुदृढ़ बनाता है। आंसू जमीन पर गिरना, आंसू नमक है, नमक का बोरी जहां रखता है वो जमीन सड़ता है। इसलिए कहते हैं आंसू नहीं गिरना है घर में, घर नरक बनेगा, घर का नींव उखाड़ कर रखेगा। और आगे, जब तक माता पिता जीवित है उनकी सेवा करते रहो। बूढ़े माता पिता का आदर करो, उनकी कमजोरी उसका खिल्ली नहीं उठाना, आप उससे शक्ति प्रदान कर, उसे प्रेम देकर, उसके सहायक बन करके उनके साथ रहना। थोड़ा सा सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 20 में भी जाना अच्छा है। सूक्ति ग्रंथ का अध्याय 20 वाक्य 20 या प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 20, जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है, शाप देता है, उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। अर्थात उनके जीवन में जब रोशनी की, ईश्वर की कृपा की, आशीष की जरूरत है, उस समय पर वो नहीं मिल सकेगा। उसके जीवन में जो तंगहाली का समय आएगा, दूसरों की मदद की जरूरत चाहेगा,
उस समय पर वो दीपक बुझ जाएगा। माता पिता का कभी अभिशाप नहीं देना, दंड नहीं देना, मारना नहीं। और एक सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 अध्याय 19 वाक्य 26। जो अपने माता पिता पर हाथ उठाता है, देखो यही लिखा है, और अपनी माता को घर से निकालता है, अनेकों लोग अपने माता पिता को घर से निकालता है, घर से नहीं निकाला, किसी और घर में रखता है, उनके साथ उनसे मिलने के लिए कभी नहीं जाते, ऐसे लोगों को प्रभु का दंड है। ये माता पिता का लज्जा की बात है, बच्चे माता पिता से बातचीत नहीं करते, तो बहुत दुख की बात है। हो सकता है कुछ पैसे का, कुछ लेन देन की, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर माता पिता से झगड़ते हैं। ईश्वर के नजर में ये बहुत बड़ा पाप है, ईश्वर उसको दंड जरूर देगा। इसलिए हमारे जीवन में जाने अनजाने में यदि हमारे माता पिता, सास ससुर या हमारे अधिकारी, हमारे गुरुजन, किसी के साथ हमारा मनमुटाव हुआ है, प्रभु से माफी मांगिए, उनसे माफी मांगिए। जितना अधिक उनको प्यार दे सकता है, आदर दे सकता है, दीजिए। बुजुर्ग माता पिताओं को प्यार का जरूरत है, इसलिए बाइबल बार बार इसके विषय में लिखा हुआ है। जब हम अपने माता पिताओं को, घर के बुजुर्गों को आदर सम्मान देगा, तभी हमारा घर स्वर्ग बनेगा। हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद हमारे घर को स्वर्ग बनाता है। कई लोग माता पिताओं के मृत्यु पर जाकर के फोटो खिंचाने के लिए जाएगा, वीडियो में चुंबन देता हुआ। अभी कुछ महीनों पहले ऐसे ही एक माँ के जो मृत्यु हुआ, हम लोग देखने के लिए गए वहां पर, कभी उस माँ के साथ नहीं रहे, उनके मदद नहीं की। ऐसी एक बेटी फोटो वीडियो के सामने पूरे समय उनके पास खड़ी है और बार बार उस डेड बॉडी को चुंबन दे रहे। कई लोग इससे देख करके उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, क्योंकि मालूम है सब लोग बोल रहे थे जब जीवित रहेगा कभी एक चुंबन नहीं देने वाली। अभी वीडियो के सामने बार बार चुंबन दे रहे, पास से हट नहीं रहे। जीवित रहते वक्त यदि आप चुंबन नहीं देते, मरने के बाद उस डेड बॉडी को क्यों चुंबन दें? जीवित रहते वक्त अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते, मृत्यु के बाद ज्यादा आदर सम्मान क्यों दिखाएं? मृत्यु के बाद डेड बॉडी को कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं आदर सम्मान के साथ उनका दफन विधि होना है। दफन विधि हो जाएगा, आदर सम्मान के साथ कलीसिया कर देगा। यदि बच्चा जीवित रहते वक्त उनको नहीं देखते हैं, कई माता पिताओं को बंद करके रखता है, कई माता पिताओं को घर से निकालता है, कई बच्चे माता पिताओं को मारते हैं, गाली देते हैं, कई माता पिताओं को घर से निकालते हैं, आइए हम उसके लिए पश्चाताप करें, प्रभु से उसके लिए माफी मांगे। माता पिताओं के साथ जो भी गलत ऐसे ऐसा व्यवहार किया, उसके लिए प्रभु से माफी मांगी। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, ये रूत के ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है। जब रूत नाम की बहु अपने सास नाओमी को जब प्यार किया, आदर किया, बाकी 16 से पढ़िए वहां पर, बहुत ही सुंदर 16 एवं 17 वहां पर रूत चैप्टर 1:16-17। उनके पति का देहांत हुआ और जो सास माँ ये नाओमी ने कहा तुम अपने माता पिता के घर में लौट जाओ, तुम कम उम्र की है, दूसरे शादी करके अच्छा जिंदगी जीत लो, मैं अपने देश से बेतलहम जा रही हूं। लेकिन ये जो छोटी बहू, ये रूत कहती है मैं कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊं,
जो तुम्हारे रिश्तेदार है मेरे रिश्तेदार, तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं वहां जाऊंगा, तुम जहां मरेगे मैं वहां मरूंगा। अपने सांस के साथ चिपके रहने वाली एक बहू का वर्णन है रूत का ग्रंथ। बाइबल के अंदर उस बहू के नाम पर एक ग्रंथ है, वो है रूत का ग्रंथ। इतना ही नहीं, ईसा मसीह के जो जन्मावली में चार महिलाओं का नाम है उनमें से एक नाम है रूत। वो यहूदी स्त्री नहीं, वो एक केवल एक मोआबी स्त्री। उस मोआबी स्त्री ईसा मसीह के जन्मावली में आई है। इसका कारण है वो अपने सास मां को प्यार किया, अपने माता पिता के समान आदर सम्मान प्यार किया, उनका सेवा किया, उनकी सेवा शुश्रूषा कभी नहीं भूलता। इसका उदाहरण है रूत का ग्रंथ। इसका उदाहरण है रूत के कुटुंब में ईसा मसीह का जन्म होना। आइए हम एक निर्णय करें, अपने घर में अपने सास ससुर अपने माता पिता घर के बुजुर्ग लोगों का आदर करने का। उनका आदर करना ईश्वर की आदर करना है, उनको प्यार देना ईश्वर को प्यार देना है। आइए हम अपनी आंखों को जोड़े, आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़े, प्रभु से माफी मांगे। इस चौथी आज्ञा के विरुद्ध में हमने यदि कोई पाप किया है, हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, मन परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, पाप क्षमा प्रभु से मांगेंगे। इसके बाद हमारे जीवित माता पिता का प्यार को प्यार देंगे, जो हमारे घर से मर गए हैं उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए और उनका नाम लेते हुए उनके से हम क्षमा याचना करेंगे, उनके लिए बार बार मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे। रोज पारिवारिक प्रार्थना में हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक निर्णय कीजिए, हम कभी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करेंगे। हो सकता है वे शराबी है, लड़ाई झगड़ा करने वाले, अनपढ़ है, अब वो नहीं समझते, वो बुजुर्ग है, वो अभी सुधरने का समय नहीं है। हम अपने में परिवर्तन लाना है। ऐसे माता पिताओं को ईश्वर ने मुझे दिया है, जो झगड़ा करने वाले, बार बार हमें डांटने वाले, ऐसे माता पिताओं को ईश्वर ने हमें दिया है। उन माता पिताओं को दोनों हाथ बढ़ा करके स्वीकार कीजिए, उनका आदर कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, यही ईश्वर की इच्छा है। मेरे लिए मेरे माता पिता ईश्वर ने दिया है और उन्हें आदर देना यह मेरा कर्तव्य है। माता पिताओं को मेरे ऊपर अधिकार दिया है, यदि वो डांटते हैं कुछ भी करते हैं हमें उसको सहन करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें प्रेम देना है। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। अपने घर में खुश रखिए, घर को स्वर्ग बना करके रखिए।